अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा लज़ानिया, जो कि हम बनाएंगे चिकन के साथ। आप अगर चाहें तो बीफ या मटन का मिन्स भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे चिकन मिन्स ले रही हूँ। मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है रेसिपी, लज़ानिया जो है वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आज हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, लज़ानिया रोल्स बनाएंगे, ठीक है जी। स्टीम करके इसको बनाएंगे, बहुत झटपट रेडी होने वाली ये रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बन के रेडी होता है। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। मेरे तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन कोई मसला नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह अच्छी चीज़ सीखने को आपको मिलेगी। ये जी मैंने ले लिया है 250 ग्राम्स चिकन और इसका कीमा बना लिया है। चिकन मिन्स यूज़ करेंगे हम। लज़ानिया शीट्स ली हैं और उनको भी बॉयल कर लिया है। आप सबको मालूम होगा बॉयल करने का तरीक़ेकार, अक्सर आप लोगों ने पास्ता, मैक्रोनी, चाउमिन वगैरह बनाते हुए बॉइलिंग की है। सेम उसी प्रोसीजर के साथ हमने लज़ानिया शीट्स भी बॉईल कर लेनी है। 6 अदद ली है मैंने। फर्दर जी हमें ये चाहिए होंगे कंटेनर्स, क्योंकि हमने इसको स्टीम करना है। तो अगर कंटेनर्स आपके पास नहीं भी होंगे तो कोई मसला नहीं है, आपके पास जो भी बाउल या प्लेट जो भी चीज़ मौजूद हो उसके अंदर बहुत अच्छा सा ये कुक हो जाएगा। तो जी झटपट बनाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा। सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दूध, वाइट सॉस बनाना है। हमने एक मग दूध लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून लिया है मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा, 1 टेबलस्पून लिया है ब्लैक पेपर का, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है जी सॉल्ट, और 1 ही टेबलस्पून लिया है गार्लिक पाउडर का, ठीक है जी। ये इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे चिकन को कुक करने के लिए भी और सॉस बनाने के लिए भी, इसलिए इनको 1 टेबलस्पून लिया है। हाफ हमने चिकन में ऐड करना है और बाकी हाफ जो है वो हम सॉस बनाते हुए यूज़ करेंगे। ऑयल हमें रिक्वायर्ड होगा चिकन को कुक करने के लिए, हमने 3 से 4 टेबलस्पून या जितना भी आप यूज़ करते हैं, यूजेज है आपका, उसके अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें, टर्मरिक पाउडर है जी 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून लिया है हमने जी बटर, जो वाइट सॉस हम बनाएंगे वो बटर के साथ बनाएंगे। इसके साथ ही हमने लिए हैं जी ओरिगैनो लीव्स, ये 1 टीस्पून ओरिगैनो लीव्स हैं, 1 टीस्पून मेरे पास वाइट पेपर है। अगर आपके पास नहीं है मौजूद वाइट पेपर तो कोई मसला नहीं है, आप ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। इसके साथ ही जी 1 टीस्पून हमने लिया है गरम मसाला, ठीक है जी। गरम मसाला यूज़ करेंगे चिकन की कुकिंग के टाइम पे। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है जी ज़ीरा, ज़ीरा जो है वो हम चिकन के साथ यूज़ करेंगे जब चिकन को कुक करेंगे। मज़ीद जी हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस। इसके साथ ही हम लेंगे जी ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं मैंने, अगर आपको पसंद हो तो ऐड कीजिएगा, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं आप। इसके साथ ही हमें चाहिए होगी चीज़, मोज़रेला या चेडर जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो वो हमें ग्रेटेड चाहिए होगी 1 प्याली भर के। ये जी हमारे पास टोटल इन्ग्रीडियंट्स हैं, इनके साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा मेरे साथ साथ, स्किप ना कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आपको तमाम रेसिपी की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से बननी है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बना पाएंगे आप। 1 अदद जी हमने पैन ले लिया है और इसको प्री हीट करके इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर दिए हैं ऑयल के। आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल, घी, बटर जो भी आपका यूजेज है वो आप कर लीजिएगा यूज़ जो आपको पसंद हो। अब जी इसमें हमने ऐड कर देना है अपना चिकन मिन्स, और चिकन को हमने तब तक कुक करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता। 2 से 3 मिनट ही रिक्वायर्ड होंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है और इसका बहुत अच्छा सा कलर चेंज हो जाएगा। तमाम कीमा जो है हमारा चिकन का वो बहुत अच्छा सा यानी कि भुन चुका है। अब हमने इसमें ऐड करने हैं अपने स्पाइसेस, तो स्पाइसेस आप देखते जाइएगा वन बाय वन, मैं आपको क्वान्टिटी इसकी दिखा रही हूँ। ये है मैंने ऐड किया गार्लिक पाउडर, इसके साथ ही जी अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। अगेन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जो आपका यूजेज है उसके अकॉर्डिंगली ऐड कीजिएगा। ये मैंने ऐड कर दिया जी टर्मरिक, इसके साथ ही अब इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, फर्दर इसमें जी मैंने ऐड कर लेना है अपने ज़ीरे को। ज़ीरा ऐड करने के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे
गरम मसाला। बस जी, मज़ीद इसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं होगा। इन्हीं मसालों के साथ हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तकरीबन 8 से 10 मिनट रिक्वायर्ड होंगे और चिकन हमारा बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। ये जी लास्ट में ऐड कर दिया है सोया सॉस, आपको मैंने दिखाया था 2 टेबलस्पून लिए हैं हमने, 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड कर दिया है चिकन में। ठीक है जी, ये हमारा चिकन जो है वो बहुत मज़ेदार सा बनकर रेडी हो चुका हुआ है। आप इसको टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं और अपने स्पाइसेस जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। चिकन को अब हमने साइड पे कर देना है और अब हम नेक्स्ट रेडी करेंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस रेडी करनी तमाम को ही आती है बहुत अच्छे तरीक़ेकार से, बहुत सिंपल सा इसका तरीक़ेकार है। सबसे पहले हमने फ्राइंग पैन में बटर ले लिया है। बटर को मेल्ट करने के बाद इसमें हमने ऐड कर देना है अपना ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा। मैदा ऐड करने के बाद हमने चम्मच को कंटिन्यूसली हिलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बने। अच्छे तरीके से चम्मच को चलाते रहना है और हमने मैदे की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है 2 से 3 मिनट तकरीबन। आप देख सकते हैं तरीक़ेकार बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद फिर हमने दूध अपना जो है वो ऐड करना है इसमें, थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और चम्मच को अगेन मैं आपको बताऊंगी मुसलसल हिलाते रहना है, या फिर अगर विस्कर की मदद से आप इसको कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, उससे ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है जी, ये थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते रहना है हमने और इसको हमने कुक कर लेना है। और इसकी फ्लेम जो है वो हमने मीडियम ही रखनी है ताकि जो सॉस है वो हमारी साथ साथ थिक भी होती रहे। तो ये आप देख सकते हैं जी, तमाम चीज़ें अच्छे से जो है वो मेल्ट हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड कर दिया है हमने सॉल्ट और इसको मुसलसल हमने अच्छे तरीके से हिलाते रहना है ताकि लम्स वगैरह ना बने। ये साथ ही जी इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़े से ओरिगैनो लीव्स, जस्ट टेस्ट के लिए हमने थोड़े से ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया है जी ब्लैक पेपर और इसके साथ ही हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे। जो भी स्पाइसेस हमने चिकन में ऐड किए थे वही स्पाइसेस हमने सॉस के साथ भी ऐड करने हैं। और आप देख सकते हैं कि सॉस जो है वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता से थिक होना स्टार्ट हो चुकी हुई है। और जो भी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी थिक इसको रखा है। आप अगर इससे कम थिक करना चाहें या ज़्यादा थिक करना चाहें तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर लीजिए। ये देखें जी, सॉस हमारी जो है वो बहुत अच्छे से थिक हो चुकी हुई है। इतनी ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, मज़ीद इसको थिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है इसने अभी ठंडा भी हो जाना है, तो ठंडा होने के बाद भी इसने थोड़ा सा मज़ीद थिक हो जाना है, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि जी चिकन भी रेडी हो चुका है, सॉस भी रेडी हो चुकी हुई है। अब हमने ये पिज़्ज़ा सॉस ली है, पिज़्ज़ा सॉस को हम लज़ानिया स्टिक पे लगाएंगे। सबसे पहले हमने कंटेनर में नीचे जो है वो बिछा दिया है सॉस, वाइट सॉस। उसके बाद हम इस पर अपने रोल्स जो है वो एडजस्ट करेंगे और फिर ऊपर से इसकी लेयरिंग दोबारा कर देंगे। ये एक रोल मैंने एडजस्ट कर दिया इसमें, अब आपको रोल बना के दिखा देते हैं। ये लज़ानिया शीट्स आपको पता है काफ़ी लंबी होती हैं, तो इसको कट करके हमने हाफ़ कर दिया है ताकि जो नॉर्मल साइज़ का है वो बन जाए रोल हमारा, ज़्यादा बड़ा भी ना बने। तो इसमें ये पिज़्ज़ा सॉस आपने एडजस्ट कर लेनी है। कुछ लोगों को पिज़्ज़ा सॉस नहीं पसंद है तो आप केचप भी लगा सकते हैं उसकी जगह पर, मतलब अगर आपको केचप पसंद है या और कोई सॉस आपको पसंद है तो वो लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब इस पर हमने जो है वो अपना चिकन डाल देना है। ऐड करने के बाद वापस से इसके ऊपर हमने वाइट सॉस लगा देनी है। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो है, न्यू जो भी वीडियोज़ होती हैं वो तमाम के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। यकीन करें सब्सक्राइब करना जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी उस पर कोई कॉस्ट नहीं आती, उस पर कोई मेहनत नहीं लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि मज़ीद हमें मोटिवेशन मिल सके आपकी जानिब से कि आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं और मज़ीद अपने काम को बेहतर बनाया जा सके। ये आप देख सकते हैं जी, रोल हमने इस तरीके से बना लिया है और इसको हमने कंटेनर में एडजस्ट कर दिया है।
आप अगर चाहें तो इससे ज़्यादा भी रोल इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि जितना आपका बर्तन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने तमाम रोल्स जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। ये आप देख सकते हैं तीनों कंटेनर्स मैंने रेडी कर दिए हैं। अब हमने इनके ऊपर वापस से जो है वो वाइट सॉस की लेयरिंग कर देनी है। ठीक है, और फिर हमने इस पे चीज़ ऐड कर देनी है, और चीज़ ऐड करने के बाद इस पे हमने ऑलिव्स रख देने हैं। तो ये हमारे जो है वो तमाम कंटेनर इस तरीके कार से रेडी हो जाएंगे, और फिर आपको दिखाएंगे स्टीम करने का तरीके कार। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करें कि आपने रेसिपी को ट्राई किया है या नहीं किया है, आपको कैसी लगी है हमारी रेसिपी। कमेंट्स करने से ये होता है कि हमें आपकी जो वीडियोस के हवाले से व्यूज़ है वो पता चलते रहते हैं कि आपको हमारी वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको रेसिपी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाया करें। और अगर अच्छी लगती है रेसिपी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि हमारी मज़ीद हौसला अफज़ाई हो सके। ये आप देख सकते हैं जी, चीज़ ऐड करने के बाद इस पे मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर दिया, यानी कि ओरिगैनो लीव्स ऐड किए हैं, और साथ ही इस पे हमने ऑलिव्स रख दिए हैं। ठीक है जी, ये हमारा एक कंटेनर रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से बाकी भी हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके कार से बनाइएगा, ज़रूर आपको बिल्कुल बाज़ार वाली जो फील है वो आएगी खाते हुए, क्योंकि आप जो है वो घर पे जो भी चीज़ बनाते हैं वो ज़्यादा हाइजेनिक, ज़्यादा जो है वो रिलायबल बनती है। बाहर वाली चीज़ें मार्केट से जो मिलती हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाई जाती हैं, उसके बारे में हमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो किस तरीके से बनाई गई है या किस तरह के प्रोडक्ट्स उसमें यूज़ किए गए हैं। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि घर पे हाइजेनिक चीज़ ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो ये आप देख सकते हैं जी, हमारे कंटेनर्स जो हैं वो तीनों रेडी हो चुके हुए हैं। अब एक अदद ये बर्तन मैंने ले लिया है, पैन, इसमें स्टैंड रखा है, और स्टैंड के ऊपर तीनों कंटेनर्स रख के ऊपर से हमने कवर कर दिए हैं। तकरीबन 20 मिनट रिक्वायर्ड होंगे, और हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है। ये जी आप देख सकते हैं 20 मिनट हो चुके हुए हैं, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार ये बन के रेडी हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें आपके सामने ही बनाई गई हैं, आपके सामने ही जो हमने कुक किया है इसको, और आप यकीन करें इस कदर मज़ेदार ये बन के रेडी हुआ था कि हम थक नहीं रहे थे खाते हुए। तो उम्मीद है जी आपको भी ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा हमारे साथ, ताकि आपके व्यूज़ से और आपके कमेंट्स से हमें मज़ीद जो है वो मोटिवेशन मिल सके, अपने काम को बेहतर बना सके। आपके लिए मज़ीद इसी तरह की यूनिक और अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आते रहें। बस जी आज की यही रेसिपी थी, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़।